नीट का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें रोनित कह रहा है कि उसका आंसर मैच नहीं हुआ है और तुम्हारे के अकॉर्डिंग इसका उसको सोल्यूशन नहीं आया है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, जैसे इस रिएक्शन को ना, तो पहले तुम याद रख लेना हमेशा के लिए, बराबर, क्योंकि डिकम्पोजिशन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़े हो, पोटेशियम क्लोरेट का पढ़े हो, फेरस सल्फेट का पढ़े हो 10th क्लास में, वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं वही वही चीज़ें कह रही हूँ कि जैसे जैसे इनऑर्गेनिक तुम्हारे पास में कैसे आती जाएगी, तुम्हें क्या करना है उसको अपने दिमाग में स्टोर करना है। अभी यहाँ पर देखें, बोला गया है कि टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है, तो 600 डिग्री सेल्सियस का मतलब 873 केल्विन। तो इस पे तो ना तो तुम STP लगा सकते हो, ना ही इस पे तुम क्या लगा सकते हो, NTP लगा सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते। चलो कोई बात नहीं, तो अगर STP और NTP ये चीज़ आप नहीं लगा पा रहे हो, तो वहाँ पे लगाना है PV इक्वल टू NRT। याद आ रहा है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। बस यही तुम लोगों से यहाँ पे चूक हो गई करके कि तुमने ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं की है, जिसकी वजह से हो सकता है तुम लोगों को ये सवाल में भी नहीं बन रहा है, बराबर। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। अभी यहाँ पर जैसे तुम्हें यहाँ पे आ गया PV इक्वल टू NRT, प्रेशर कितना दिया हुआ है 180 atm, गुड। तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास गिवन है, मतलब P इक्वल टू 180 atm, टेम्परेचर इक्वल टू 873 केल्विन। अच्छा, अब जब प्रेशर आपका ATM में होता है, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ठीक है। ये तो जब भी प्रेशर ATM में होगा, R की ये वैल्यू यूज़ करोगे। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम निकालना है, तो अभी एक बार इसमें PV इक्वल टू NRT लगाओगे, एक बार इसमें PV इक्वल टू NRT लगाओगे, एक बार इसमें PV इक्वल टू NRT लगाओगे, और सबसे वॉल्यूम निकालोगे, उसके बाद उन वॉल्यूम्स को तुम ऐड करोगे। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। उन वॉल्यूम्स को ऐड करोगे, ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है। इससे बेटर है कि तीनों के तीनों वहाँ पर जो है, उन तीनों के तीनों का आप क्या निकाल लो फटाफट, एकदम तेज़ी से मोल्स निकाल लो, फिर टोटल मोल्स को क्या कर दो, वहाँ पे ऐड कर दो। तो जब तुम टोटल मोल्स को ऐड कर दोगे, तो वहाँ पर तुम्हारे पास फिर जाके क्या लगा लो, PV इक्वल टू NRT अप्लाई करो करके, ठीक है। इस तरीके से इसमें काम करें। तो हम लोग अभी मोल्स निकालना इसमें सीखते हैं सबसे पहले। तो देखो जरा मोल्स वाला पार्ट क्या है, कैसे निकालेंगे करके इसको। तो आपके पास एक रिएक्शन है 2 टाइम्स ऑफ NH4NO3, जो रिएक्ट होके बना रहा है 2 टाइम्स ऑफ N2+O2 और साथ में 4H2O, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुमसे ये कहा जा रहा है करके कि 16 ग्राम का आपके पास NH4NO3 है, ठीक है। 16 ग्राम का तुम्हारे पास क्या है, NH4NO3 है। तो ऑब्वियसली NH4NO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो 80 आएगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ NH4NO3 मेरे पास 16/80 यानी कि 1/5 निकल कर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके मोल्स मेरे पास 1/5 है, LR का तो कोई झंझट ही नहीं है। इसकी भी स्टोक्योमेट्री 2 है, तो इसके भी मोल्स 1/5 होंगे। इसकी स्टोक्योमेट्री क्योंकि 1 है, तो आधे हो जाएंगे, आधे यानी कि 1/10। और यहाँ पे इसकी स्टोक्योमेट्री क्योंकि आपकी 4 है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, डबल यानी कि 2/5, राइट। तो अभी मुझे टोटल मोल्स निकालने हैं, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 3/5 + 1/10, राइट, यानी कि कितना हो गया ये, 0.6 + 0.1, तो ये आ गया 0.7 करके, तो ये 0.7 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज़ देखो कि मोल्स मुझे मिल गए हैं टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं PV इक्वल टू NRT। तो प्रेशर दिया है 1, वॉल्यूम टोटल वाला आपको निकालना है, मोल्स दिए हैं 0.7, R की वैल्यू है 0.0821 इंटू टेम्परेचर यानी कि 873। तो यहाँ से बस टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, मैं देखो मैंने कर ही रही थी तुम्हारे को एक बार देखने के लिए कि आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है। तो 50.17 आता है इसका आंसर, ठीक है। अभी जैसा रौनित कह रहा है कि इसका आंसर पीछे मैच नहीं हो रहा है, तो शीट में इसका आंसर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है।
शीट में इस चीज का आंसर दिया था 50.17 के बजाय 50.14, तो इरोनिक इतने डेसिमल का चलता है करके, ठीक है। तो अगर आपको टेम्परेचर करके ये वाला नहीं दिया जाए जिसमें आप एसटीपी लगा पाओ या एनटीपी लगा पाओ, तो ऐसे केस में क्या करना है, फिर वहाँ पे आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसमें एक तुम्हें चीज़ बता देती हूँ, एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, इस रिएक्शन से क्रिएट किया जा सकता है, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। मैंने ये कहा कि एक ट्रिकी क्वेश्चन करके यहाँ से क्रिएट होता है। देखो, 600 डिग्री सेल्सियस जो वाटर होता है, उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि आप 100 डिग्री सेल्सियस के अगर ऊपर गए तो क्या होगा, आपका जो पानी है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमेशा ये पी वी इक्वल टू एन आर टी गैसेस के लिए ही अप्लाई होती है। मान लेते कल को टेम्परेचर यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस देता, ठीक है, और कहता कि ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन उस वक्त फिर ये गैस नहीं होता, तो इस पे पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है करके तुम लोगों को छेड़ने के लिए, तो उसमें पोपट मत बन जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो होप्स हो कि अभी जिसका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा था उन्हें बन जाएगा, और जिसका कैलकुलेशन एरर हुई थी वो अपनी कैलकुलेशन एरर पकड़ लेगा। तो इस हिसाब से अभी जो मुझे डाउट्स आए थे कि ये वाला नहीं बन रहा है, 7 देखो मैंने बता दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है। 8 भी मैंने बता दिया है, ठीक है, और उसके बाद 9 भी बता दिया, 7, 8, 9 मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि 11 और 26, ठीक है, 11 बोला गया है और 26, ठीक है। तो एक 11 के बाद, चलो 11 हम लोग कर लेंगे, इसको कल मॉर्निंग में अब मैं करूँगी, तो अभी यहीं पे मैं इसको रोकती हूँ, कल आफ्टरनून या कल मॉर्निंग तक ये वाली चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास। 11 भी नहीं बना, 12 भी नहीं बना, एक मिनट, इसमें श्रेयन तुम्हारा जो ये डाउट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एलआर ढूंढो, और एलआर ढूंढने के बाद मोल मोल एनालिसिस लगाओ ना, क्या डाउट आ गया क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है श्रेयन, उसको बना, और 11 वाला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा मुझको गंदा दिख रहा है, बट देखते हैं कि वो गंदा है कि नहीं है, ठीक है, तो वो मैं चेक कर लूँगी कि गंदा है कि नहीं है। देख, क्वेश्चन नंबर 12 रोनित का डाउट नहीं है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ देखो जरा कि क्वेश्चन नंबर 12 तुमसे क्यों नहीं बन रहा है और 11 में क्यों नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हें लिथियम हाइड्राइड के मोल्स दिए हैं और क्या कहते हैं BF3 के मोल्स दिए हैं, दोनों के दो दो मोल्स, तो वहाँ पे उनकी स्टोक्योमेट्री से पहले LR ढूंढ, और जैसी LR ढूंढ लेगा तो उसकी मदद से B2S6 के मोल्स निकालने, मोल मोल एनालिसिस से या फिर डायरेक्ट करके। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बना लेगा, बट फिर भी मैं इसका कल सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि टिटानियम को एयरप्लेन के इंजन्स और कुछ कुछ बनाने के लिए यूज़ करता है, बकवासबाजी, नीचे एक रिएक्शन दी है बड़ी सी। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि आपके पास इनिशियली क्लोरीन का मास दिया है, कार्बन का मास दिया है, TiO2 का दिया है, तो पहले उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल, और मोल्स निकालने के बाद यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस लगा, सॉरी एलआर ढूंढ, और जब एलआर तुम ढूंढ लोगे, ठीक है, एलआर और एलआर तुम ढूंढ लोगे, एलआर के साथ, एलआर के साथ TiO4 की मोल मोल एनालिसिस किया, तो इसलिए मैं TiO4 से तुम्हें TiO4 के मोल से कर जाएंगे, मोल से उसके मास निकालने में कर दी रहा है, काम कर दी रहा है, ठीक से ठीक से करो, एकदम ठीक से करो, और ये सवाल छोटे सारे छोटे लाइक भी है, छोटे लाइक पहले कल मोटे कल मॉर्निंग में चल लेगा, वीडियो व्यू कर लेगा,